पढ़ाई के नाम पर कोचिंग में किया जा रहा है बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़। झांसी जिले का एक ऐसा भी कोचिंग सेंटर जहां पर बच्चों के साथ फीस जमा करके उनको कोचिंग से निकाल दिया गया। वहीं आपको बताते हैं चलेगी झांसी के मिशन गेट के पास एक कोचिंग सेंटर जिसमें कई बच्चों ने शिकायती पत्र देते हुए आरोप लगाया है कि वह इस कोचिंग में आईएएस की तैयारी के लिए गए थे। उस कोचिंग में एक बच्चे से लगभग 40 से 50,000 रुपए फीस ली गई। वहीं कई बच्चों ने ज्यादातर फीस जमा कर दी। वहीं बच्चों का आरोप यह भी है कि कोचिंग में जो भी टीचर पढ़ाते हैं वह अच्छा नहीं पढ़ाते हैं और जब इसकी शिकायत कोचिंग संचालक से की गई तो उन्होंने बच्चों के साथ अभद्रता की गई और वहीं बच्चों को कोचिंग से बाहर जाने के लिए कहा गया और कोचिंग से निकाल दिया। बच्चों ने यह आरोप लगाया है कि बच्चों के पेरेंट्स शिकायत करने जाते हैं तो उनके साथ भी अभद्रता की जाती है। तो आइए सुनते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? मानवी गुप्ता। क्या मामला है? यूपीएससी की क्लास कोचिंग में एसएससी के बैच में बिठाया 6 महीने। तो कौन सी कोचिंग? स्टडी वर्ल्ड। मिशन कंपाउंड में 6 महीने एसएससी की क्लास में बैठा रहा है। इसके बाद यूपीएससी की क्लास नहीं लगी और फिर बच्चों के मतलब लेडीज के बारे में बोलते हैं कि लड़कों के साथ अफेयर्स चल रहा है। और फिर मैम जब बच्चे बात करने जाते पेरेंट्स तो मतलब पेरेंट्स से बदतमीजी से भी बात करते हैं और फिर बोलते हैं कि तुम्हारी लड़की पढ़ने लायक नहीं है, गाँव टाइप लड़की है, हाउस वाइफ बनने लायक है, ये सब बात करते हैं। अच्छा, फीस के नाम पे कितना पैसा लेते हैं और क्या? हम लोगों से तो 50,000 लिए, इन लोगों से 60,000 ले रहे हैं। बेटा क्या नाम है आपको? विशाखा पटेरिया। क्या है कोचिंग का क्या मामला है? कोचिंग में ये है कि वैसे हम तो कोई मतलब स्टार्टिंग में हमने फीस जमा की थी लेकिन उसके बाद में फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी थी नहीं तो हमने फीस दी नहीं। फिर मैम का खुद से फ़ोन आया, मैम ने खुद से हमें फ़ोन करके बुलाया। उसके बाद में फिर उन्होंने भरी कोचिंग में हमसे ये कहा कि तुम्हारी तो कोई फीस दी नहीं है, तुम्हारा तो कोई हिसाब किताब बनता नहीं है, भरे बैच में बेइज्जती करके उन्होंने हमें भगाया। और जब हमने पूछा कि मैम आप बताइए हमारी गलती क्या थी तो भी ये कहती हैं कि तुमने भरे बैच में डाउट पूछे, टीचर को डराया। तो हमने कहा मैम जब जो सर अच्छा पढ़ा ही नहीं रहे हैं तो हमने तो सिर्फ डाउट पूछे और इस डाउट पे अगर आप हमें भगा रही हैं बेइज्जती करके तो मैम ये कह रही हैं कि तुमने बैच को बचाने की कोशिश नहीं की। तो हमने कहा मैम हम बैच को बचाए भी कैसे, क्यों बाकी के बच्चे पागल तो है नहीं है, जब जो टीचर अच्छा नहीं पढ़ रहा तो सारे बच्चों को समझ आ रहा है। तो इस बेस पर उन्होंने हमें ट्यूशन से भगा दिया। अच्छा, कोचिंग का टाइमिंग क्या होता है? कोचिंग की टाइमिंग शाम को रहती है वही 5 बजे, 5:30 बजे से 7:30 बजे तक। ये कहाँ पे कोचिंग है? मिशन कंपाउंड, स्टडी वर्ल्ड जी। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूजा वर्मा है। क्या है? मैं इस कोचिंग में फ्रेशर थी, मुझे सिर्फ 2.5 महीना हुआ है। तो कोचिंग के बच्चों से ये बोला गया कि आप इसको भड़का रहे हो, मतलब न्यू है ये, मैं उससे पहले 20,000 इंस्टॉलमेंट जमा करा ली, अब बोलते हैं कि और फीस दो। तो मैंने बोला कि मैं जनवरी में दे दूँगी। तो उनका मतलब है आप पहले फीस जमा कीजिए, जब तक आपकी एंट्री नहीं होगी, आपके 20,000 गए तो गए। कौन है ये, इसका संचालक कौन है, क्या नाम है उसका? कोचिंग की मैम का नाम हम लोगों को पता नहीं है क्योंकि मैं तो न्यू थी, किसी को नहीं पता है। एक रवि सर हैं। रवि सर कौन है? उनके हस्बैंड हैं और वो अपना नाम नहीं बताती है। नहीं नहीं हम लोगों को नाम नहीं पता है क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में है, मैंने यही सुना। क्या नाम है आपको? दीक्षा साहू। क्या है कोचिंग का मामला? क्या है सर? एक्चुअली कोचिंग का मामला ये है कि अभी कुछ टाइम पहले मतलब मैम ने ऐसा वो ये बोलते कि पहले अपना बेस मजबूत करो और बेस मजबूत करने के नाम पे वो हम लोगों को एसएससी में बिठाती। अब अगर ऐसे ही उन्हें करना था तो उन्होंने डायरेक्ट यूपीएससी में क्यों एडमिशन दिया? वो पहले ये बोलती कि आप एसएससी में पहले आओ, जब आपका बेस मजबूत हो जाएगा तो आप यूपीएससी में आना। अब यूपीएससी के पूरे फीस उन्होंने हम लोगों से वो ले रही हैं, हमारे पूरे उनके पास 35,000 पहुँच गए। अब वो ये बोल रही कि नहीं आप तो किस्तों में जमा नहीं कर रही थी, आप तो 5,000 पर मंथ के हिसाब से दे रही थी। उन्होंने हमारी पूरी फीस भी रख ली और जब हमें उन्होंने गाली गलौज की मम्मी से कि आप मतलब आप लोग में तमीज़ नहीं है, आप दोनों माँ बेटी में तमीज़ नहीं है बात करने की, और इतने गंदे तरीके से उनने मम्मी से बोला कि उन्हें वो खुद अगर अधिकारी हैं तो उन्हें तमीज़ होनी चाहिए कि आम जनता से कैसे बात करनी। और अगर वो इतनी बड़ी कोचिंग चला रही है तो जवाब लेने तो जाएंगे ही, हमारी बच्ची को क्यों निकाला आपने? तो आप जवाब भी नहीं दे पा रहे हो, भाग रहे हो सामने से, तो इसका क्या मतलब समझे? बेटा एक चीज़ बताइए कि ये लगभग कितने बच्चे होंगे और कितना पैसा पर बच्चों का जमा होगा? हर बच्चों जो पुराने बच्चे हो जाते हैं वो उनकी पूरी फीस जमा हो जाती है। बच्चे से कितना पैसा लिया जाता है? हाँ, एक बच्चे से पूरे कोर्स के 50,000, अभी जो नई उन्होंने अपडेट कर दी वो 60,000 है नए बच्चों के लिए। लगभग कितने बच्चे होंगे इस तरीके से आप लोग जैसे परेशान होंगे? हम लोगों के तरीके से कम 10-12-15 बच्चे आराम से होंगे जिनको उन्होंने भगाया है, लेकिन अब वो यहाँ पे झांसी उन्होंने छोड़ी थी। इनसे उन्होंने भी शिकायत की तो उन्हें भी उनसे भी बदतमीजी से बात करके उन्हें नीचा दिखाया गया बेफिजूल का और फिर उन्हें भगा दिया कोचिंग से।
महंगे बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हाँ, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें एमिटी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका ROI 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आई।